हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 9 ऑफ जर्नल। चलिए स्टूडेंट, ये सम में क्या है देखते हैं। ये सम थोड़ा अलग है बाकी सम के मुकाबले, और क्या अलग है चलिए देखते हैं। ठीक है, बैलेंस ऑन, ये सम में पहले से मुझे क्या लेके रखा है, बैलेंस। बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 2019, मतलब ऑलरेडी कुछ अकाउंट्स हैं उनके बैलेंस ऑलरेडी अपियर कर रहा है। ठीक है ना, तो वो कौन से बैलेंस चलिए देखते हैं। कैश एट बैंक 80,000, सन्डी डेटर्स राम 20,000, रहीम 30,000। ठीक है, एंड स्टॉक 55,000, बिल्डिंग 1,50,000। तो ये जितने भी बैलेंस हैं स्टूडेंट, ये सब मेरे डेबिट बैलेंस हैं। ओके, तो इन सभी को जब मैं एंट्री पास करूँगा तो ये सभी अकाउंट्स को मैं डेबिट कर दूँगा। ठीक है, और नीचे लिखा हुआ है क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 2019। ठीक है, तो सन्डी क्रेडिटर्स जिसमें स्वप्ना से हम 20,000 डिमांड करना है हमें, सॉरी देना है हमें, रोहित 30,000 एंड बैंक लोन 50,000। ठीक है, तो ये सारी लाइबिलिटी स्टूडेंट, लाइबिलिटी की क्रेडिट बैलेंस होती है, तो ये सारी लाइबिलिटीज क्रेडिट हो जाएगी। और ऊपर जो ये दो दिए हुए हैं, ये जो सर ये जितने भी अकाउंट्स हैं यहाँ पे अपेयर हो रहे हैं, ये सभी मेरे डेबिट बैलेंस है। तो जब मैं एंट्री पास करूँगा तो इन सभी को मैं डेबिट कर दूंगा। ठीक है ना, तो डेबिट वाली बैलेंस की जो चीज़ें हैं, ये जो डेबिट बैलेंस वाली चीज़ें हैं इन्हें मैं डेबिट कर दूंगा, और ये जो क्रेडिट बैलेंस वाली चीज़ें हैं इन्हें मैं क्रेडिट कर दूंगा स्टूडेंट। ठीक है, अब नॉर्मली जनरल एंट्री में डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस क्या होना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। बट जब आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो डेबिट बैलेंस का जो टोटल आएगा वो क्रेडिट बैलेंस की टोटल से मैच नहीं करता होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, हमने क्या पढ़ा था कि डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो ये डिफरेंस यहाँ पे अपियर होगा वो हमारा क्या होगा स्टूडेंट, कैपिटल बैलेंस होगा। क्या होगा, कैपिटल बैलेंस। बरोबर, डेबिट बैलेंस मतलब ये एसेट, ठीक है, क्रेडिट बैलेंस मतलब लायबिलिटी। जब मैं एसेट में से लायबिलिटी माइनस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा स्टूडेंट, कैपिटल मिलेगा। करेक्ट ना, अकाउंटिंग इक्वेशन में आपने सीखा था यहाँ पर ये। ठीक है, तो अकाउंटिंग इक्वेशन के रूल के हिसाब से जब मैं एसेट में से जब मैं लायबिलिटीज़ को माइनस करूंगा तो जो डिफरेंस मिलेगा वो क्या होगा, मेरा कैपिटल होगा। ठीक है, तो चलिए इस एंट्री को हम पास करते हैं। तो जितने भी डेबिट बैलेंस है उन सभी को मैं डेबिट कर देता हूँ, जितने भी क्रेडिट बैलेंस है उन सभी को क्रेडिट कर देता हूँ, और जो भी डिफरेंस आएगा अमाउंट के बीच में वो मेरा कैपिटल अकाउंट कंसिडर्ड होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा फॉर्मेट इन द बुक्स ऑफ हीरो एंटरप्राइज, क्या प्रिपेयर कर रहे हैं हम लोग, जर्नल एंट्री। फॉर्मेट अपना डेट, पर्टिकुलर लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, और ये सारा ट्रांजेक्शन जो है स्टूडेंट अप्रैल सॉरी 2019 का, कब का ये, 2019। तो यहाँ पे हम पहला हेडिंग लिख देते 2019, और यहाँ पे लिख देते हैं अप्रैल फर्स्ट, क्योंकि ये जो एंट्री होती है स्टूडेंट बैलेंस की हमेशा फर्स्ट डेट को ही हम करते हैं। ठीक है, तो अप्रैल फर्स्ट को मैं एंट्री पास करूंगा, 31 मार्च को हमारे अकाउंट्स क्लोज होते हैं, 1 अप्रैल को वापस स्टार्ट होते हैं। तो जब मैं न्यू ईयर स्टार्ट करूंगा तो सबसे पहला ये जो बैलेंस वाली एंट्री है वो मैं एंटर करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहला मैं क्या लिखूंगा स्टूडेंट, कैश एट बैंक अकाउंट डेबिट, जो कि दिया हुआ था। नेक्स्ट सन्डी डिटेल्स दिया हुआ था मुझे, बट सन्डी डिटेल्स में नाम दिए हुए, तो जो नाम है वो ही मैं नोट करूंगा यहाँ पे। राम अकाउंट डेबिट, ये हमारी डिटेल्स है। नेक्स्ट रहीम अकाउंट डेबिट, ये भी हमारे डेटर है। नेक्स्ट स्टॉक अकाउंट, नेक्स्ट बिल्डिंग अकाउंट। ठीक है, ये सारे डेबिट बैलेंस मैंने यहाँ पे नोट कर दिए, इनके अमाउंट भी नोट कर लेते हैं साथ साथ में फटाफट। कैश एट बैंक था हमारा 80,000, राम का अमाउंट था 20,000, रहीम का था 30,000, स्टॉक है हमारा 55,000, एंड बिल्डिंग जो है हमारी 1,50,000। ठीक है, चलिए अब जो क्रेडिट बैलेंस है उसे हम नोट कर लेते हैं फटाफट। क्रेडिट बैलेंस को हम क्रेडिट कर देते फटाफट एंट्री में। टू स्वप्ना अकाउंट, ये हमारी क्रेडिटर्स थी। नेक्स्ट टू रोहित अकाउंट, ये हमारा क्रेडिटर था। ठीक है, और बैंक लोन अकाउंट, ये लाइबिलिटी तीन मुझे यहाँ पे दी हुई है। अकॉर्डिंगली अमाउंट भी नोट कर लेते 20,000, 30,000 एंड 5,000। तो स्टूडेंट आप यहाँ पे देख सकते हो जो डेबिट का अमाउंट आ रहा है हमारा वो है 3,35,000, और क्रेडिट का जो अमाउंट आ रहा है वो है 55,000। तो 3,55,000 ये जो है 3,35,000 में से जब मैं 55,000 माइनस करूँगा, जो डिफरेंस है स्टूडेंट वो डिफरेंस जो है जो कि है हमारा 2,35,000, ये क्या होगा, ये हमारा कैपिटल होगा। क्या होगा स्टूडेंट, ये हमारा कैपिटल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, नरेशन बिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ब्रॉड फॉरवर्ड।
ठीक है स्टूडेंट, समझा आपको ये? तो एसेट में से जब भी हम लायबिलिटीज को माइनस करते हैं, एसेट में से ये सब एसेट्स हैं हमारे, एसेट में से जब भी हम आउटसाइड लायबिलिटी को माइनस करते हैं तो डिफरेंस है वो हमारा कैपिटल मिलता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है चलिए नेक्स्ट एंट्री पे मूव करते हैं। नेक्स्ट एंट्री जो है हमारी 1 अप्रैल की है। चलिए स्टूडेंट देखते हैं क्या दिया हुआ है। परचेज गुड्स वर्थ ₹1,50,000 फ्रॉम प्रशांत एंड कंपनी लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो यहाँ पे क्या कर रहे स्टूडेंट, हम लोग गुड्स परचेज कर रहे हैं तो कौन सा अकाउंट आएगा, परचेस अकाउंट ही ना, क्योंकि गुड्स परचेज कर रहे हैं, गुड्स के अलावा कुछ और होता तो उसका नाम आता। और प्रशांत एंड कंपनी से परचेस कर रहे हैं और एक क्रेडिट ट्रांजेक्शन, क्योंकि पेमेंट का कहीं पे भी जिक्र नहीं हुआ है। ठीक है बट यहाँ पे 10% ट्रेड डिस्काउंट की बात की गई है स्टूडेंट, तो 10% ट्रेड डिस्काउंट क्या करेगा, हम लेस कर देंगे। तो 1,50,000 का 10% होगा हमारा 15,000, तो 1,50,000 में से 15 जाएगा तो एंट्री जो होगी वो हमारी 1,35,000 की होगी, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता है। सीधा डिस्काउंट लेस करने के बाद में जो अमाउंट आएगा उस अमाउंट की हम एंट्री पास करेंगे। ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंट्री में हम लिखेंगे सबसे पहला, और सॉरी अकाउंट आइडेंटिफाई करना रहेगा, ये हमारा नॉमिनल अकाउंट है, रूल के हिसाब से डेबिट वाला एक्सपेंसेस एंड लॉसेस अकॉर्डिंगली डेबिट हो जाएगा। प्रशांत एंड कंपनी हमारा कौन है, पर्सनल अकाउंट है, हम गुड्स परचेस कर रहे हैं प्रशांत एंड कंपनी से, तो डेफिनेटली प्रशांत एंड कंपनी क्या करेगा, हमें गुड्स देगा, तो एक गिवर है, पर्सनल अकाउंट के रूल के नाते क्रेडिट द गिवर, तो प्रशांत एंड कंपनी क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा स्टूडेंट। तो हमारी जो एंट्री बनेगी स्टूडेंट क्या होगी, वो हमारी एंट्री परचेस अकाउंट डेबिट क्या होगी, परचेस अकाउंट डेबिट टू प्रशांत एंड कंपनी। ठीक है अमाउंट 1,35,000 आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है गड़बड़ नहीं करनी यहाँ पर। चलिए रेशन बींग गुड्स परचेज फ्रॉम प्रशांत एंड कंपनी एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। नेक्स्ट जो एंट्री है स्टूडेंट हमारी है 4 अप्रैल की। ठीक है क्या लिखा हुआ है, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर अमित शर्मा ₹70,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट ऑन क्रेडिट। ओके तो क्रेडिट में सेल है, यहाँ पे दो अकाउंट जो इम्पोर्टेंट है वो हमारे सेल्स अकाउंट पहला, ओके नेक्स्ट जो अकाउंट इम्पोर्टेंट है वो अमित शर्मा। ठीक है क्यों, क्योंकि ट्रांजेक्शन बाकी है, अभी ट्रांजेक्शन पूरा नहीं हुआ है। ठीक है ओके डन। यहाँ पे भी 10% ट्रेड डिस्काउंट है, तो जो अमाउंट हम सेल्स का रिकॉर्ड करेंगे वो डिस्काउंट के बाद वाला करेंगे। ओके तो अमाउंट जो आएगा वो आएगा 63,000। ठीक है 70,000 का 10% 7,000, जब 70 में से आप 7 माइनस करोगे तो अमाउंट आएगा हमारा 63,000। चलिए एंट्री क्या होगी वो देख लेते हैं। सेल्स अकाउंट नॉमिनल अकाउंट, रूल के हिसाब से क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, सेल्स क्रेडिट हो जाएगा। मिस्टर अमित शर्मा, जब हम सेल्स कर रहे हैं अमित शर्मा गुड्स रिसीव करेंगे, करेक्ट, तो अमित शर्मा कौन हो गए, रिसीवर। पर्सनल अकाउंट के रूल के हिसाब से क्या हो जाएगा, अमित शर्मा अकाउंट डेबिट, क्योंकि डेबिट द रिसीवर। तो एंट्री हुई स्टूडेंट हमारी अमित शर्मा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट आएगा हमारा 63,000। ठीक है एंट्री अमित शर्मा अकाउंट डेबिट, ओके अमित शर्मा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अमाउंट 63,000 नरेशन बिंग गुड सोल्ड टू अमित शर्मा एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है 10% ट्रेड डिस्काउंट डन स्टूडेंट। अभी चलिए नेक्स्ट एंट्री पे मूव करते हैं हम लोग। एंट्री है हमारी 9 अप्रैल की। ठीक है 9 अप्रैल क्या दिया हुआ स्टूडेंट, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹2,00,000 एट 28% GST अमाउंट पेड बाय NEFT। ओके तो यहाँ पे हम गुड्स परचेज करें तो पहला जो अकाउंट जो इम्पोर्टेंट होगा हमारे लिए वो होगा परचेस अकाउंट। ठीक है और सेकंड हम ये जो पेमेंट है वो NEFT के थ्रू कर रहे हैं, मतलब ये हो जाएगा हमारा बैंक अकाउंट। ठीक है और GST, तो पे तीन अकाउंट है। ठीक है ना परचेस गुड्स फॉर कैश मतलब कैश दे के नहीं, पेमेंट करके हमने परचेस किया यहाँ पे। ठीक है ना कंफ्यूज नहीं होना है आपको, लग गया कैश भी दिया NEFT भी दिया है, तो यहाँ पे परचेस गुड्स फॉर कैश मतलब हमने पेमेंट दे के गुड्स खरीदा है, लेन देन बाकी नहीं है। ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला परचेस अकाउंट नॉमिनल अकाउंट, रूल के हिसाब से डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस तो डेबिट हो जाएगा। GST नॉमिनल अकाउंट, रूल के हिसाब से डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस तो ये भी डेबिट हो जाएगा।
एनईएफटी मतलब बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट मतलब पर्सनल अकाउंट, रूल के हिसाब से क्या हो जाएगा क्रेडिट, क्योंकि यहाँ पे बैंक क्या है, बैंक पेमेंट करने वाला होगा, ठीक है ना। पेमेंट कौन करेगा उनको, पार्टी को, बैंक करेगा। तो बैंक कौन होगा इसमें, गिवर, क्रेडिट द गिवर, अकॉर्डिंगली बैंक अकाउंट क्रेडिट। तो परचेस अकाउंट डेबिट, सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये हमारी एंट्री होगी स्टूडेंट, ठीक है। चलिए फटाफट नोट कर देते अभी से। परचेस अकाउंट डेबिट, ठीक है, सॉरी, परचेस अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, ठीक है। परचेस का अमाउंट कितना दिया हुआ था स्टूडेंट, परचेस का अमाउंट दिया हुआ था हमें 2 लाख रुपीज़, कितना, 2 लाख रुपीज़। तो यहाँ पे नोट कर लेते 2 लाख रुपीज़। जीएसटी चार्ज करना हमें, जीएसटी 14% था, 2 लाख का 14% आएगा स्टूडेंट हमारा 28,000, 28,000, और जो टोटल है वो हम पे कर देंगे, ठीक है, पार्टी को, विच कम्स टू 2,56,000, कितना, 2,56,000, ठीक है, डन। नरेशन लिख देते हैं, बींग गुड्स परचेस एट 28% जीएसटी एन अमाउंट पेड बाय एनईएफटी। चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो है हमारा है 12th of April, 12th अप्रैल का ट्रांजेक्शन देखते स्टूडेंट। लिखा है सोल्ड गुड्स टू आदित्य राय ऑफ 90,000 एट 28% जीएसटी। तो यहाँ पे जो अकाउंट है स्टूडेंट वो है हमारा पहला सेल्स अकाउंट, सेकंड जो अकाउंट है वो आदित्य राय, थर्ड जो है हमारा वो है जीएसटी। ओके, तो पहला अकाउंट है सेल्स अकाउंट, रूल के हिसाब से क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, नॉमिनल अकाउंट का रूल अप्लाई होगा। आदित्य राय पर्सनल अकाउंट, ठीक है, डेबिट द रिसीवर, जब हम गुड्स सेल कर रहे हैं स्टूडेंट तो आदित्य राय क्या करेगी, वो गुड्स रिसीव करेगी, तो आदित्य रिसीवर होगा, रूल के हिसाब से डेबिट द रिसीवर, आदित्य राय अकाउंट डेबिट हो जाएगा। जीएसटी, अभी जीएसटी हमारा इनकम होगा क्योंकि हमें जीएसटी भी मिलने वाला है आदित्य राय से, ठीक है ना, तो रूल के हिसाब से क्या हो जाएगा, जीएसटी क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो एंट्री क्या बनी स्टूडेंट, आदित्य राय अकाउंट डेबिट टू सेल्स, आदित्य राय अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट सी जीएसटी टू आउटपुट एस जीएसटी, ठीक है, अमाउंट 90,000, 90,000 तो ये सेल का अमाउंट है, प्लस जीएसटी इंक्लूड कर देंगे उसमें। चलिए एंट्री देखते हैं, पहला आदित्य राय अकाउंट डेबिट, डेबिट द रिसीवर रूल के हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट टू सेल्स क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, टू आउटपुट सी जीएसटी क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, टू आउटपुट एस जीएसटी क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, ठीक है। तो स्टूडेंट हमने सेल कितने का किया, सेल जो है हमारा यहाँ पर 90,000 का, कितना, 90,000 का। जीएसटी जो चार्ज करना है हमें 14%, सॉरी 9% करना है, 90,000 का 9% जो आप कैलकुलेट करोगे तो वो आएगा आपका 12,600, 12,600, ठीक है। ओके, तो टोटल कितना हुआ स्टूडेंट, टोटल हुआ हमारा 1,15,200, कितना, 1,15,200, ये हमें पे करना होगा आदित्य राय को, तो अकॉर्डिंगली नहीं रिसीव करना होगा आदित्य राय से, तो अकॉर्डिंगली आदित्य राय का अकाउंट जो है वो 1,15,000 से क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। चलिए नरेशन लिख देते हैं, अभी नरेशन जो होगा वो होगा बींग गुड सोल्ड टू आदित्य राय एट 18% जीएसटी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, नेक्स्ट जो एंट्री है हमारी है वो 15th of April की, ठीक है। क्या दिया हुआ है, पेड रेंट 5,000 एंड सैलरी 18,000। तो यहाँ पे दो अकाउंट जो है, सॉरी तीन अकाउंट है यहाँ पे, पहला पेड, पेड मतलब क्या स्टूडेंट, कैश पेड, तो कैश अकाउंट पहला, सेकंड है रेंट अकाउंट, ठीक है, थर्ड है हमारा सैलरी अकाउंट, ठीक है। तीन अकाउंट हमने आइडेंटिफाई कर लिए, अब इफेक्ट्स क्या हो गया वो देखते हैं। पेड मतलब कैश, रियल अकाउंट हमारा क्रेडिट वर्ड गोज आउट, जब हम पे करेंगे तो कैश जाएगा, तो रूल के हिसाब से क्रेडिट वर्ड गोज आउट, रियल अकाउंट का रूल अप्लाई होगा, तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया। रेंट और सैलरी दोनों भी हमारे नॉमिनल अकाउंट है, रूल कहता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्योंकि दोनों भी एक्सपेंस हमारे लिए, हम पे कर रहे हैं मतलब एक्सपेंस है हमारे लिए, अकॉर्डिंगली दोनों भी क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो एंट्री हुई हमारी रेंट अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। चलिए एंट्री नोट कर लेते हैं, रेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है,
सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है, अमाउंट 5000 रेंट का था, 8000 सैलरी का था, टोटल 13000, ठीक है, डन। नरेशन बिंग रेंट एंड सैलरी पेड, बिंग रेंट एंड सैलरी पेड। नेक्स्ट नेक्स्ट जो है वो एंट्री है हमारी 17th of April की, कब की है, 17th April, ओके। चलिए देखते हैं, पेड फॉर प्रोपराइटर हाउस रेंट, ओके, किस लिए पेमेंट हो रहा है स्टूडेंट, प्रोपराइटर का घर का रेंट पे किया जा रहा है। अभी प्रोपराइटर का घर का रेंट बिजनेस का तो खर्चा है नहीं, ये तो पर्सनल खर्चा है, और जब कभी भी पर्सनल खर्चे बिजनेस से पेमेंट होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, ड्रॉइंग्स कहते हैं, क्या कहते हैं, ड्रॉइंग्स, ठीक है। तो ये हमारे ड्रॉइंग्स है। सेकेंड, पेड मतलब कैश, तो यहाँ पे भी दो अकाउंट है, कैश यहाँ पे करें तो डेफिनेटली कैश जा रहा है, तो कैश अकाउंट क्रेडिट, क्रेडिट और इनकम इन, सॉरी क्रेडिट व्हाट गोज आउट, रियल अकाउंट का रूल। नेक्स्ट प्रोपराइटर पर्सनल अकाउंट है, तो ड्रॉइंग्स, इसके लिए वर्ड ड्रॉइंग यूज करेंगे, ड्रॉइंग हमारा पर्सनल अकाउंट है, तो डेबिट द रिसीवर, ठीक है ना, ये पेमेंट करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे पेमेंट में ये ओनर रिसीव करेगा, फिर ओनर आगे वाले को पे करेगा, तो यहाँ पे ओनर कौन हुआ, रिसीवर। अकॉर्डिंगली ड्रॉइंग अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। तो हमारी जो एंट्री होगी स्टूडेंट वो होगी ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, क्या होगी, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है, अमाउंट 12000, 12000, ठीक है। एंट्री नरेशन बीइंग प्रोपराइटर हाउस रेंट पेड, ओके। चलिए नेक्स्ट एंट्री, ये जो है हमारी है एंट्री 20th April की, क्या दिया हुआ है, सोल्ड हाफ ऑफ द गुड्स परचेस्ड ऑन 9th of April एट 20% प्रॉफिट एंड 28% GST। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का कनेक्शन 9th April से है, ठीक है ना, किससे, 9th April, 9th April की ट्रांजेक्शन से। तो 9th April का जब ट्रांजेक्शन आप देखोगे तो 2 लैक्स का गुड्स हमने परचेस किया था, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो 2 लैक्स का गुड्स है स्टूडेंट, 2 लैक्स के गुड्स में से हाफ ऑफ द गुड्स हमने क्या कर दिया, बेच दिया, ठीक है, 2 लैक्स के गुड्स में से हाफ ऑफ द गुड्स हमने बेच दिया। तो कितना गुड्स बेचा स्टूडेंट, 2 लैक का हाफ कितना हुआ, 2 लैक का हाफ हुआ आपका 1 लाख रुपीज, करेक्ट, ओके। चलिए तो हमने रिकॉर्ड कर लिया यहाँ पे 1 लाख, सोल्ड हाफ ऑफ द गुड्स परचेज ऑन 9th of April टू 9th of April एट 20% प्रॉफिट। तो ये जो सेल्स है स्टूडेंट, मैं कॉस्ट टू कॉस्ट तो करूँगा नहीं, प्रॉफिट कमाऊंगा, तो ये जो सेल्स है मेरा 1 लाख के ऊपर 20% प्रॉफिट ऐड हो जाएगा, ठीक है ना, 1 लाख प्लस 20%, ठीक है। तो यहाँ पे जो अमाउंट मिलेगा, सॉरी 1 लाख का 20%, 1 लाख का 20%, ठीक है, ठीक है। तो 1 लाख का 20% कितना होगा, 20000। तो जो सेल्स होगा स्टूडेंट मेरा वो होगा 1 लाख 20000 का, कितना होगा सेल्स मेरा, 1 लाख 20000 का मेरा सेल्स होगा, ठीक है। तो सेल्स का वैल्यू मिल गया, आगे लिखा हुआ है, चलो मैंने ये पूरे स्टेटमेंट से सेल्स का वैल्यू तो फाइंड आउट कर दिया यहाँ से यहाँ तक पढ़ने पर, ठीक है। हाफ ऑफ द गुड्स 9th April का 1 लाख, 20% प्रॉफिट 20000, तो सेलिंग प्राइस मिल गया 1 लाख 20000। और लिखा हुआ है कि GST, GST भी हम चार्ज करेंगे, क्या चार्ज करेंगे, GST भी हम चार्ज करेंगे, ठीक है, एट 28%। तो 28% इस पर GST हम कैलकुलेट करेंगे, 28 है मतलब कितना, 14%। तो 1 लाख 20 का 14% जो कि आएगा 16800, कितना आएगा, 16800। अगेन 1 लाख 20 का कितना परसेंट, 1 लाख 20000 का हम कैलकुलेट करेंगे 14%, ठीक है, कितना, 14%। तो सॉरी 14% क्या हो रहा है, ठीक है, 16800 ये हमारा क्या हुआ स्टूडेंट, GST हुआ, क्या हुआ, GST। तो टोटल जो हमने गुड्स बेचा वो कितने में बेचा, 1,53,600, कितने में बेचा स्टूडेंट, 1,53,600 में बेचा, ठीक है ना। चलिए तो ये तो हो गया, बट अभी किसे बेचा ये स्टूडेंट, यहाँ पे नाम दिया हुआ कुछ, यहाँ पे कुछ भी नाम नहीं दिया हुआ है, इट मीन्स क्या स्टूडेंट, हमने डेफिनेटली कैश में बेचा, अगर नाम दिया होता तो हम समझते कि क्रेडिट में बेचा हुआ, कुछ भी नाम नहीं लिखा हुआ है, मतलब ये अंडरस्टूड होगा कि हमने इसे
कैसे बेचा हुआ है, इसे हमने कैश में बेचा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम अकाउंट आइडेंटिफाई कर लेते, सॉरी, सबसे पहला जो अकाउंट होगा वो हमारा सेल्स अकाउंट होगा। कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट, रूल के हिसाब से क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट, ये प्रॉफिट वगैरह सब सेल्स में इंक्लूड हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट, जीएसटी अकाउंट, रूल के हिसाब से बेचने के टाइम पे हमें मिल रहा है तो इनकम है हमारा, ये भी क्रेडिट हो जाएगा, क्रेडिट ऑल इनकम है, गेन। ओके, और यहाँ पे कहीं पे मेंशन नहीं किया तो भी हम क्या कंसीडर करेंगे स्टूडेंट, बाय डिफॉल्ट कैश कंसीडर करेंगे, ठीक है ना। ये जो ट्रांजेक्शन है वो कैसा है, कैश ट्रांजेक्शन है, ठीक है। तो कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट है हमारा, रियल अकाउंट। तो रूल के हिसाब से डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश आ रही है केस में तो कैश अकाउंट डेबिट होगा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू जीएसटी, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट एंट्री पास करते हैं फटाफट। 20 अप्रैल की, कैश अकाउंट डेबिट, रूल के हिसाब से डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट सी जी एस टी टू आउटपुट एस जी एस टी, ठीक है। अमाउंट कितना था स्टूडेंट सेल्स का, 1,20,000 हमने कैलकुलेट किया, इस पे जीएसटी कैलकुलेट किया 16,800, 16,800। तो टोटल हमने कैश कितना रिकवर किया, 1,53,600, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1,53,600। ओके, नरेशन लिख देते हैं, बीइंग हाफ ऑफ द गुड्स परचेज ऑन 9th अप्रैल सोल्ड एट 20% प्रॉफिट एंड 28% जीएसटी, ठीक है। डिफिकल्ट लगे तो एज इट इज क्वेश्चन लिखना बेटर होता है स्टूडेंट नरेशन में। ओके, तो चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट जो एंट्री है वो है 25th अप्रैल की, कब की है, 25th अप्रैल, ठीक है। ओके, क्या एंट्री, चलिए देखते हैं। पेड वेजेस, बहुत सिंपल एंट्री है, पेड मतलब कैश, कैश अकाउंट। ओके, नेक्स्ट है वेजेस अकाउंट, ठीक है। कैश हमारा रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो हम पे करें तो कैश जाएगा, तो कैश क्या हो गया, क्रेडिट। वेजेस नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, अकॉर्डिंगली वो डेबिट हो जाएगा क्योंकि हम वेजेस पे करें मतलब हमारा एक्सपेंस हो रहा है, करेक्ट। तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, क्या एंट्री हुई स्टूडेंट हमारी, वेजेस अकाउंट डेबिट, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट, ठीक है। अमाउंट 15,1500, 1,500, नरेशन बिंग वेजेस पेड, बिंग वेजेस पेड, सिंपल एंट्री एकदम। नेक्स्ट 25th की अगेन, ठीक है ना, एक और एंट्री 25th की दी है, परचेस फर्नीचर 1,80,000 एट 12% जीएसटी एंड अमाउंट पेड बाय आरटीजीएस, आरटीजीएस मतलब बैंक की स्टूडेंट, ठीक है ना, आरटीजीएस, एनईएफटी, डेबिट कार्ड। ओके, तो आरटीजीएस मतलब हमारा बैंक। नेक्स्ट हमने परचेस किया, क्या परचेस किया, गुड्स नहीं, फर्नीचर परचेस किया, तो फर्नीचर अकाउंट आएगा। नेक्स्ट जीएसटी, ओके जीएसटी एक्सपेंस है हमारा यहाँ पे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें फटाफट, फर्नीचर अकाउंट रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, जीएसटी डेबिट ऑल एक्सपेंसेस इन लॉसेस, जीएसटी अकाउंट डेबिट हो जाएगा, परचेस कर रहे हम लोग पे करना पड़ेगा, एक्सपेंस है हमारा, आरटीजीएस बैंक मतलब क्रेडिट द गिवर, ये पेमेंट कौन करेगा, बैंक करेगा फर्नीचर का पेमेंट, ठीक है ना, क्योंकि हमने आरटीजीएस के थ्रू पेमेंट किया हुआ है, तो बैंक कौन हुआ है केस में, गिवर, तो क्रेडिट द गिवर, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, जीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक। चलिए फटाफट एंट्री पास करते हैं, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, इनपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। अमाउंट कितना दिया हुआ था स्टूडेंट, फर्नीचर का अमाउंट था 1,80,000, कितना था, 1,80,000, ठीक है। उस पर जीएसटी कैलकुलेट करेंगे, 12% दिया हुआ हमें जीएसटी, करेक्ट, तो 6% कैलकुलेट करना पड़ेगा, 6% कितना होगा, 1,80,000 का 6% 10,800, 10,800 अकॉर्डिंगली बैंक में जो अमाउंट आएगा स्टूडेंट वो आएगा 2,01,600, कितना, 2,01,600। नरेशन बिंग फर्नीचर परचेज एट परचेज बाय आरटीजीएस एट द रेट ऑफ 12% जीएसटी। ओके स्टूडेंट, चलिए मूव करते हैं फटाफट नेक्स्ट एंट्री की तरफ, वो है 20th अप्रैल की, ठीक है। क्या दिया हुआ है, सोल्ड एन ओल्ड फर्नीचर ऑफ रुपीज 20,000 फॉर 12,000। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आप ऐसा एडजस्टमेंट या फिर ऐसी एंट्री आपको पहले नहीं आई हुई है तो बड़े ध्यान से देखिए। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ओल्ड फर्नीचर सेल कर रहे हैं स्टूडेंट,
यहाँ पे सोल्ड मतलब क्या, सोल्ड मतलब यहाँ पे सेल्स नहीं होता, गुड्स बेचते तभी यहाँ पे सोल्ड का मतलब सेल्स होता है, ठीक है ना। यहाँ पे सोल्ड मतलब कैश होगा स्टूडेंट, क्या होगा यहाँ पे कैश, ठीक है ना। तो कैश मिला है यहाँ पे, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्या बेचा हमने, ओल्ड फर्नीचर बेचा, तो फर्नीचर अकाउंट दूसरा, ठीक है। और तीसरा जो है स्टूडेंट यहाँ पे हिडन है, 20,000 की चीज़ हमने कितने में बेची, 12,000 में। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, इसका मतलब 8,000 का हमारा क्या हो गया, 8,000 का हमारा लॉस हो गया, ठीक है। लॉस हो गया ना 8,000 का, तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा वो भी, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर का आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तीन जो अकाउंट आएगा स्टूडेंट, वो आएगा पहला कैश अकाउंट, सोल्ड मतलब यहाँ पे कैश, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम और फर्नीचर बेच रहे हो, बदले में पैसा मिलेगा, गुड्स होता तो सेल्स आता, बट यहाँ पे ओल्ड फर्नीचर बेच रहे तो यहाँ पे कैश आएगा। कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन फर्नीचर रियल अकाउंट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, फर्नीचर क्रेडिट होगा। और जो लॉस हुआ स्टूडेंट 8,000 का, वो भी डेबिट हो जाएगा, क्योंकि लॉस नॉमिनल अकाउंट इंडिकेट करता है, नॉमिनल अकाउंट रूल अप्लाई होगा, और नॉमिनल रूल के हिसाब से डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज। तो एंट्री क्या हुआ स्टूडेंट, कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर अकाउंट डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस टू फर्नीचर, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। चलिए एंट्री पास करते हैं। कैश में आएगा यहाँ पे 12,000, फर्नीचर में आएगा, सॉरी कैश में आएगा 12,000, लॉस में आएगा 8,000, फर्नीचर में आएगा 20,000, ठीक है। फटाफट एंट्री नोट कर लेते हैं। एंट्री हुई हमारी कैश अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन अमाउंट 12,000, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस अमाउंट 8,000, क्रेडिट व्हाट गोज आउट अमाउंट 20,000, ठीक है। नरेशन बीइंग ओल्ड फर्नीचर सोल्ड। चलिए नेक्स्ट 31st लास्ट एंट्री स्टूडेंट, ठीक है ना। सोल्ड शेयर्स ऑफ ₹10,000 फॉर 15,000 एंड अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक। ऐसी वाली भी एंट्री आपने पहले नहीं देखी होगी, तो लास्ट की दोनों भी एंट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या बेच रहे स्टूडेंट, शेयर्स, तो ये शेयर्स हमारे गुड्स है क्या, नहीं शेयर्स तो हमारे गुड्स नहीं, बट तो शेयर्स क्या हुए, हमारे इन्वेस्टमेंट हुआ, ठीक है। जो सरप्लस पैसा बिजनेस में पड़ा हुआ रहता है वो हम इन्वेस्ट कर देते हैं, उसे हम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट बेच रहे हैं, ठीक है ना। तो इन्वेस्टमेंट कौन सा अकाउंट है हमारा, रियल अकाउंट, यहाँ पे हम शेयर्स बेच रहे हैं, ठीक है ना। तो शेयर्स को हम क्या कहेंगे, रियल अकाउंट, ठीक है ना। ये कौन सा अकाउंट है, रियल, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट अकॉर्डिंगली, इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। अमाउंट रिसीव बाय चेक, तो यहाँ पे बैंक आएगा, बैंक क्या कर रहा है, यहाँ पे रिसीव कर रहा है, तो बैंक डेबिट हो जाएगा, डेबिट द रिसीवर। और जो डिफरेंस है स्टूडेंट, 5,000 एक्स्ट्रा मिला है, तो 5,000 क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट 5,000 का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, करेक्ट। तो ये भी रिकॉर्ड होगा, ठीक है। तो एंट्री क्या होगी स्टूडेंट, इन्वेस्टमेंट अपना क्रेडिट होगा, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, ठीक है। बैंक रिसीवर है तो डेबिट होगा, प्रॉफिट हुआ तो ये भी क्रेडिट होगा, क्योंकि नॉर्मल अकाउंट का रूल कहता है क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो अकॉर्डिंगली बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। चलिए फटाफट नोट कर लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट एंट्री है। बैंक अकाउंट डेबिट, डेबिट द रिसीवर, ठीक, शेयर्स बेच रहे तो हमें पैसे मिलेंगे। नेक्स्ट टू इन्वेस्टमेंट, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, इन्वेस्टमेंट जा रहा है और प्रॉफिट हो गया इसमें, तो टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इन्वेस्टमेंट कितने का बेचा हमने, 10 का बेचा, कॉस्ट पे आपको रिकॉर्ड करना है, ठीक है। ऊपर वाले केस में भी कॉस्ट पे रिकॉर्ड किया था एसेट को, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉफिट कितना हुआ, 5,000 का, सॉरी प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट हुआ हमारा 5,000 का। तो अकॉर्डिंगली बैंक में पैसे कितने हैं स्टूडेंट, बैंक में पैसे आएंगे 15,000, ठीक है। नरेशन लिख देते हैं, बींग शेयर सोल्ड एंड अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक। तो स्टूडेंट सारी एंट्रीज हमारी कंप्लीट हो गई, अब हम करेंगे टोटल। तो चलिए टोटल देखते हैं, टोटल कितना आता है, 13,20,900, कितना आता है स्टूडेंट, 13,20,900, ठीक है। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ मैं आपको ये जो एक्सप्लेनेशन है समझा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट ले सके। एंड प्लीज़ 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 डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, ठीक है।
चलिए, थैंक यू।